Yum. Yep. This is really, really good. Nice. I'm excited. Cheers. Cheers. Lovely. I mean, yeah. Mm. They're really good. Yum. Amazing. Golga Pass, and these were the and then just went over and over. भारत का खाना इसकी विविधताओं के लिए जाना जाता है और भारत में खाने की इतनी वैरायटीज हैं कि जो हर क्षेत्र राज्य और समुदाय के साथ बदल जाती है और इसीलिए आज मैं आपको उत्तर भारत से सीधा सैर कराऊंगी दक्षिण भारत की ओर और सिर्फ आप ही को नहीं अपने विदेशी मेहमानों को भी क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं मेरे कुछ विदेशी मेहमान जो भारत के खाने के खूब शौकीन हैं तो आज हम उन्हें दक्षिण भारत के उन पारंपरिक व्यंजनों से रूबरू कराएंगे जो हेल्दी होने के साथ साथ स्वाद और जायकों से भरपूर है और उन्हें बताएंगे कि कैसे दक्षिण भारत की पहचान कहा जाने वाला खाना अब पूरे भारत की जान बन चुका है। So, Ruchika, तो आज है बर्थडे और मुझे लग रहा है बर्थडे है तो डे है स्पेशल तो होना चाहिए कुछ स्पेशल तो क्या बन रहा है स्पेशल? आज मैं तुम्हें ना पूरे नॉर्थ इंडिया से पूरा ट्रैवल कराऊंगी साउथ इंडिया की तरफ। अच्छा। Yes, तो क्योंकि साउथ इंडिया का जो सबसे फेमस खाना है बताओ क्या है? साउथ इंडिया में तो बहुत चीजें हैं लेकिन जो मेरे जहन में आता है वो होता है इडली सांभर। इडली सांभर। सो आज हम बनाने वाले हैं इडली सांभर, सांभर वड़ा और मैंने सोचा कि ये खाना सिर्फ तुम्हें क्यों खिलाया जाए अपने फॉरेनर गेस्ट को भी खिलाया जाए। आज फॉरेनर गेस्ट? यस, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है क्योंकि आज हमारे घर आने वाले हैं कुछ फॉरेनर मेहमान तो क्योंकि मेरे कुछ मेहमान भी आने वाले हैं तो उनको भी खिलाएंगे साउथ इंडियन डिश जिसमें होगा इडली सांभर, मेदू वड़ा और साथ में कुछ स्पाइसीनेस के लिए रखेंगे हम गोलगप्पे और कुछ मीठे में भी स्पेशल होगा क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन में महादेव को तो खीर का भोग लगाया जाता है तो उनको पहले खीर का भोग लगाएंगे और उसके बाद अपने गेस्ट को खीर खिलाएंगे तो ये सारी चीजें बनने वाली हैं आज। वाओ, तो हर हर महादेव के साथ स्टार्ट करते हैं। महादेव, और राइट, क्योंकि आज रुचि का सावन था इसलिए तुम्हारा बर्थडे का केक मैं लेके नहीं आया था रात में, घर पे ही हमने जो अटेम्प्ट किया था बनाने के लिए। वैसे अंकुश ने अटेम्प्ट किया था आइसक्रीम के ऊपर खूब सारे फ्रूट्स लगा के बहुत सुंदर केक बनाया था, ये देखिए आप पिक देख रहे हैं ना इसकी, ये रात का अटेम्प्ट था। राइट, तो ठीक है रुचिका, फिर क्या तैयारी हुई है और कितनी तैयारी बाकी है? पहले तो ना मैं मिर्च का अचार डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़े महीने की मतलब एक महीने की धूप और रह गई है फिनलैंड में, अभी मैंने सब मसाला वसाला पीस के रखा है, बस सरसों का तेल में थोड़ा मसाला मिला के मिर्च का अचार रहेगा। यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो मैं मैंने काट के रखी हुई हैं वो मैंने सब रात को ही थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर मैंने सांभर बनानी शुरू कर दी थी जिसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ कुकर में डाल दी और साथ में अरहर की दाल और साथ में सांभर मसाला और नमक मिला के इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी, 2-3 सीटी आने के बाद इसमें तड़का लगाएंगे और इमली का जो पल्प होता है वो डालेंगे। सांभर में सीटियाँ आ रही हैं और यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये मैंने यूट्यूब शॉर्ट में देखी थी तो मैंने सोचा कि ऐसे मेंदू वड़ा बनाया जाए। पर इस ट्रिक से मैंने मेंदू वड़ा बनाया, बना तो अच्छा लेकिन टाइम बहुत लग रहा था तो मैंने अपना नॉर्मल जैसे मैं हाथ से बनाती हूँ ना वैसे मैंने बनाने शुरू कर दी। अच्छा लग रहा है रुचिका वड़े तो? सही लग रहे। रुचिका बात आई साउथ इंडियन फूड की तो तुम बताओ तुमने कहाँ कहाँ पे खाए हैं और कैसे लगा तुम्हें फूड, कहाँ का एक बार दिखा दूँ पहले? ओ वाह 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 जबरदस्त। तो ठीक है, back to the question. तो बताओ कहाँ पे तुमने? मुझे तो बैंगलोर में बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। बैंगलोर में किधर? बैंगलोर में हम कोरोमंगला के पास थे कहीं पर। कोरोमंगला के पास है लेकिन हम लोग इंद्रानगर भी गए थे। इंद्रानगर गए थे तो वहाँ के भी जो सांभर बड़ा वगैरह था वो बहुत अच्छा था। वैसे मैंने एक बार ना मैं पांडिचेरी गई थी अपने ऑफिस के ट्रिप पर तो वहाँ पर भी मैंने जो इडली सांभर खाया था ना वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब बहुत। और मुझे लगता है साउथ इंडिया में भी अगर आप केरल चले जाएंगे तो थोड़ा सा अलग टेस्ट देगा। हम लोग वायनाड गए थे ना, वायनाड गए थे हम, कोझीकोड में भी थे वहाँ पर भी हमने इडली सांभर खाया था। राइट, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और वैसे मैं सही कहूँ तो मैंने मुंबई में भी हमने कई बार खाया, पुणे और मुंबई में भी इडली सांभर। और पुणे में हम कहाँ पे, पुणे में उधर रहते थे ना वो कौन सी जगह थी, धानोरी, धानोरी विश्रांत वाड़ी, हाँ विश्रांत वाड़ी से थोड़ा सा पास आते हुए तो उधर
अपार्टमेंट के बाहर अंकल आंटी एक बनाते थे, अंकल आंटी बनाते थे, और साथ में ना वहाँ पर वो सेट डोसा भी बनाया जाता है, वो ऑसम होता था। और मुंबई में तो हम लोग ये मुलुंड के पास रहते ही थे, तो उधर सामने अंकल बनाते थे, वो जबरदस्त बनाते थे। मेरे लिए रुचि थोड़ा अनयूजुअल था, जब मैं दिल्ली में था वर्क करता था, और उसके बाद जब हम गए उधर बैंगलोर में, तो बैंगलोर में हर तरफ मॉर्निंग में नाश्ते के लिए इडली सांभर मेंदू वड़ा यही मिल रहा है। सही बात है। तो मेरे उधर पराठे अराठे इतने नहीं मिल रहे, तो अच्छा उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा। तो मतलब कितनी विविधता है ना अपने देश में, कि एक जगह पे जाओ तो चीजों का खान पान अलग। इवन जब हम इडली डोसे इडली और मेंदू वड़ा सांभर की भी बात करें, हर जगह के बहुत अलग। तो मैं याद करूँ जी, हम लोग रिसेंटली जब भी सोमनाथ गए थे, तो दुकानों का टेस्ट अलग, लेकिन वो अंकल साइकिल में लेके सही बात, और जो लाल कलर की चटनी थी औसम था, मतलब हम लोग ने खाना शुरू किया तो भीड़ लग गई, फिर लोगों ने उनको पकाना शुरू कर दिया, लेकिन सही बात बहुत बहुत बढ़िया था उनका। तो बातें भी चलती रही और साथ में सारे मेंदू वड़े बनकर तैयार हो गए, और मेंदू वड़ा जो है वो काफ़ी क्रिस्प भी बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा कि जल्दी से कुकर खोल के देख लिया जाए कि सब्जियां गली कि नहीं, दाल वाल गल गई कि नहीं सांभर के लिए। तो सारी सब्जियां अच्छे से गल गई थी। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ और इसमें इमली का पल्प डाल के इसको तड़का लगा देती हूँ। सब चीज़ें डाल दी थी, प्याज वगैरह सब, तो मैं अब नॉर्मल बस एक सांभर रेडी हो गई यहाँ पर, मेंदू बड़ा तैयार हो गया। अब बनाते हैं इडली। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे तो अभियान ने रात को मुझे दे चुका है, फिर से उठा के उसने दे दिया। आज मम्मा का बर्थडे, मम्मा क्या बना रही है? मम्मा खीर बना रही है, सांभर बड़ा, इडली और फ्राइज बना रही है। ये जो बना रही है, ये खीर है। खीर तो बनकर रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैंने इडली बैटर को भी अच्छे से चला लिया, क्योंकि अब बारी थी इडली बनाने की। और इडली की ना मेरे पास फिनलैंड में यहाँ पर इडली मेकर तो नहीं है, तो मैं इस तरीके से इडली बनाती हूँ, कढ़ाई में रख के उसे भाप में पका लेती हूँ और बन जाती है। पर रेडी हो गई कोकोनट चटनी और इसमें तड़का लगेगा, और साथ में इडली देखते हैं। इडली भी देखिए बन गई है। ये जो ट्रिक है ये मुझे अंकुश ने बताई थी कपड़ा लगा के बनाने की, जिससे काफी सॉफ्ट और साथ में नीचे से टूटती नहीं है इडली। सॉफ्ट और बहुत फ्लफी बनी है, बहुत अच्छी बन रही है, शेप भी अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने कलरफुल फ्राइम्स को फ्राई कर लिया, क्योंकि ये साउथ इंडियन फूड के साथ हमेशा चलते हैं। और क्योंकि हम अपने गेस्ट को गोलगप्पे भी खिलाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं गोलगप्पे फ्राई कर रही हूँ। बस एक आखिरी काम मेरा रह गया है, जो है केसर डालना मेरी खीर में, तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो रुचिका सब हो गया? हाँ सब हो गया। देखो तो बताओ क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रुको, पहले तुम्हें दिखा दूँ। ओहो अच्छा लग रहा है ना, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आप इधर आ जाओ, बॉयज इधर, गर्ल्स उधर आओ। मैंने सोचा क्यों ना सावन के टाइम पे मल्टी कलर साड़ी पहनी जाए। ओके यहाँ पर देखो पानी पूरी रेडी हो गई है ना। आज थोड़े छोटे वाला साइज का बनाया है हमने, और यहाँ पर ये फ्राइम्स कर लिए हैं फ्राई, और यहाँ पर हमारी सांभर रेडी है। सांभर मैंने मीडियम स्पाइसी रखी है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर सांभर बड़ा यानी कि मेंदू बड़ा, मेंदू बड़ा ओके। और यहाँ पर हमारी इडली भी रेडी हो गई है, ठीक है। तो ये हो गई कोकोनट चटनी। यहाँ पर मैंने वो रेड वाली चटनी बनाई है, जो टमाटर वाली, टमाटर के साथ जो चटनी मिलती है ना, एक जब आप इडली खाते हैं मोस्टली कहीं जगहों पर ना सांभर नहीं मिलता, तो ये चटनियाँ ही मिलती हैं दोनों इडली के साथ, तो वो वाली चटनी। थोड़ी सी हरी चटनी भी बनाई है। और यहाँ पर ये हो गया गोलगप्पे का पानी, और यहाँ पर रेडी है हमारी खीर। ओ, ये है खीर, खीर में केसर बहुत है, खीर में मैंने केसर डाला है ताकि खीर का कलर जो है वो बहुत अलग सा अच्छा सा आ जाए। काफी सारा पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले हैं। अभियान आपको कैसा लग रहा है पूरा खाना? अच्छा लग रहा है, खुशबू आ रही है। और ये मम्मा का गिफ्ट है। तो ये सब खाना रेडी हो गया है, बस हमारे गेस्ट का इंतजार है, शायद 10-5 मिनट में आ जाएंगे। आ गए हमारे गेस्ट, और गेस्ट को मैं सबसे पहले खिलाने वाली हूँ गोलगप्पे, इसलिए मैंने काउंटर पर गोलगप्पे सजाने शुरू कर दिए। और देख रहे हैं आप कैसे हाथ जोड़ने लगी तूली। अभी तो सिर्फ फ्राइम्स और गोलगप्पे देखे हैं, अभी तो इनका स्वाद मुंह तक गया नहीं है। जैसी जीभ से टकराएगा तब देखते हैं कि असली मज़ा कैसे आएगा। यहाँ पर मैं उन्हें बताने लगी कि गोलगप्पे हमारे यहाँ कैसे खाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक गोलगप्पा उठाया, उसमें चटनी भरी, पानी भरा, और मैं उन्हें एक्सप्लेन करने लगी कि हमारे यहाँ पर कैसे खाए जाते हैं।
अब जब मैंने यहाँ भर दिया तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले कौन ट्राई करेगा? Do you find it very spicy? No. Can I handle it? I think you will be at your limit. Okay, I'll be at my limit. So not too much. One time? Yeah. It's really, really good. Really spicy. But really, really, really good. आप मिर्च लग रही है लेकिन सादा पानी नहीं पियेंगे, नहीं तो खट्टे और तीखे पानी की जो तरावट गले को मिली है उसका स्वाद खराब हो जाएगा। और ऐसा ही होता है ना हम लोगों के साथ भी। बिना मिर्च मसाले के फ्राइम्स में वो बात कहाँ जो गोलगप्पे के पानी और गोलगप्पे में होती है। इसलिए उन्होंने कहा क्या हम और गोलगप्पे खा सकते हैं, और यहाँ पर बिना मीठी चटनी लगाए गोलगप्पे का स्वाद लिया जा रहा है। आइए देखते हैं। Cheers. Cheers. Should I maybe then try too? Yes. Oh my god. आप कैसे चढ़ रहा है गोलगप्पे का नशा हमारे विदेशी मेहमानों पर कि जो एक गोलगप्पा तीखा नहीं खा पा रही थी वो यहाँ पर बिना चटनी के गोलगप्पे खाने का चैलेंज ले रही हैं। गोलगप्पे खाने के बाद भैया थोड़ा पानी देना, ये तो बनता है। तो यहाँ मैंने उनके दोनों में डाल दिया थोड़ा थोड़ा गोलगप्पे का पानी, जिसे उन्होंने बहुत मजे से पिया। गोलगप्पे का नशा कुछ ऐसा चढ़ा हमारे मेहमानों पर कि वो क्या कह गए, आइए सुनिए। I've never been even in India, so yeah. So I can't expect that. Yeah, you're teaching us. Yeah, yes, you are very much teaching us. Really cool. काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हमारे विदेशी मेहमानों ने कहा कि मैंने उन्हें गोलगप्पे खिलाए और उसे और गोलगप्पे खाने का तरीका बताया जिसे वो भारत आए बिना कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। पर तूली ने भगवान राम और सीता माता से रिलेटेड एक भजन सा गाया, कभी सुना होगा, और उसने पूछा कि ये क्या है, मैंने ऐसा सुना है। हमने बताया कि ऐसे काफी सारे भजन होते हैं हमारे यहाँ पर, उन्हें भगवान राम, सीता माता और दिवाली से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई। तो यहाँ पर मैंने आज का स्पेशल खाना लगाना शुरू कर दिया था, और देखिए मुझे एरिक ने क्या कहा। तो एरिक ने मुझे पूछा कि क्या मैं कुछ फोटोज ले सकता हूँ। खाना देखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा था उन्हें कि एक एंगल से नहीं कई एंगल से उन्होंने खाने की फोटो खींची। यहाँ बारी थी आज के स्पेशल साउथ इंडियन फूड में क्या क्या डिशेस हमने बनाई हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके उन्हें बताना शुरू किया, और साथ में हमारे भारत में इडली सांभर को कैसे खाया जाता है ये मैंने उन्हें बताया। Yes, yes. This is really, really good. Nice. Yeah. Really nice. Very. Pinch of chili from somewhere, but it's really good. तो इडली सांभर खाके तो उन्हें मजा आ गया। अब बारी थी मेंदू वड़ा खाने की। एरिक ने मेंदू वड़ा उठाया, सांभर मिलाई और खाने लगा। यहाँ तूली ने कहा कि क्या मैं मेंदू वड़ा को ऐसे ही खा सकती हूँ? हमने कहा बिल्कुल। और यहाँ पर जब उसने खाया तो उसने क्या कहा ये आपको जरूर सुनना चाहिए। Very fresh. Very fresh. So this mendu vada, did you find a different taste in it? Yeah, it had a very different taste. Well, to me this is the one that's not fried. Yes. So idli. Ah. Yeah, it's for a gym lover. Yes. तो
इडली और मेंदू वड़ा को सांभर के साथ तो ट्राई कर लिया था, लेकिन अभी तक चटनियाँ ट्राई नहीं की थी। तो यहाँ पर जो टमाटर की चटनी बनाई थी और जो कोकोनट चटनी बनाई थी उसे ट्राई किया जा रहा है, और अब देखते हैं कि उनका कैसा रिएक्शन आता है। It just got even better. Mm. The whole package. Yes. Mm. How will I do? You'll have a nice time. Okay. Not too, oh, it gives it a different kind of in the throat, sort of. It's more in the back, but not too bad. Not too bad at all. And the taste is so good. It's like very famous breakfast. Oh, South really? India. That's yes. Yeah. Everywhere, you, like if you are in the South India, every morning you get up and then you find. I would like my mornings there. Italy is my favorite. Okay. Yeah, of these two. Excellent. Honey. Yeah. Balanced. Very balanced. Yes. Balanced. Yes. Yes. Yeah. Yes. हेल्दी और टेस्टी खाने के बाद बारी थी कुछ मीठे खाने की, और यहाँ मैं ले आई थी उनके लिए खीर। Enhanced Christmas porridge. Yes, uh-huh. Very much enhanced. And that's a compliment. That's definitely a compliment, yeah. Pieces are so beautiful. As Eric said, that he likes the healthier things, so this is much healthier than anything. तो मीठे के साथ एंड हुआ आज का हमारा डिनर, और तुली जो थी वो किचन में चली आई और पूछने लगी कैसे मैंने इडली बनाई थी। यहाँ कुकर कढ़ाई देखकर भी वो काफ़ी सरप्राइज हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी इन सब चीज़ों में खाना बनते नहीं देखा था। So, चले गए हमारे गेस्ट, और हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा, देख रहे हैं सनफ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये हमारे लिए फ्लावर्स लेकर आए थे। और आज की वीडियो के लिए मैं आप लोगों को सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमें आज की रेसिपी बनाने के लिए सजेस्ट किया था। इडली सांबर और कई लोगों ने हमें बोला था मेंदू वड़ा बनाए हम, और मीठे में खीर बनाए। तो राइट, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब इतनी चीजें हैं तो हम क्यों ना एक साउथ इंडियन फूड बनाए। तो रुचिका ने मतलब जितना आपने देखा है कि चटनी से लेके मेंदू वड़ा, इडली सांबर, और मैं अभी खा के आ रहा हूँ, टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया। अभी जस्ट फिनिश मैंने किया है। मैं रुचिका को यही बोल रहा था कि मैं वीडियो तक वेट नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी खाऊंगा, और मुझे वाकई टेस्ट बहुत अच्छा था। तो दूसरा जो एरिक था, रुचिका एरिक तो फिटनेस, हाँ एरिक जो थे वो फिटनेस लवर है, तो एरिक को तो ये इडली सांभर और मेदू वड़ा का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ये मतलब बहुत ही मतलब एकदम अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है इसका, और साथ में क्योंकि ये नॉन फ्राइड है, मतलब इडली तो नॉन फ्राइड है, तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो ये और साथ में मेरे से रेसिपी भी मांगी कि मुझे भी बताइए, तो मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा जो जो बता सकती थी वैसे बताया। साथ में गोलगप्पे की अगर बात करें तो गोलगप्पे पे भी आपने रिएक्शन देखा, तुली को काफ़ी मिर्च लग रही थी गोलगप्पे के पानी में, और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि नहीं नहीं मैं और नहीं खाऊंगी। तो उसने बोला कि जब अंदर गया ना तो ये बहुत अच्छी किक दी उसने, तो मैं और खाऊंगी इसको। सही बात। तो उसने ये बोला कि जब उसको पता चला कि हमारे पास मेन कोर्स में कुछ चीजें और भी हैं, तो उसने बोला कि अगर मेन कोर्स में और भी चीजें हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको इधर ही रोक देती हूँ। हाँ। तो मतलब खाना तो बहुत बढ़िया था, ये खीर के लिए रुचिका डेजर्ट में खीर बनाई है, और जब उनके सामने खीर रखी गई तो वो खीर देखते ही पहले तो उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले हुए थे, और जब खाई तो टेस्ट सैफ्रन की खुशबू आ रही थी उसमें, और खाने के बाद हर चीज का टेस्ट आ रहा था खीर के अंदर। कार्डमम, उसने पूछा इसमें कार्डमम डाला है आपने, और कौन से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और ये ना जब लोग भी खाते हैं तो वो अपनी भी चीज़ों से रिलेट करते हैं कि हमारे फिनिश फूड में भी ये जब बनता है ना तो उसके अंदर कार्डमम ऐसे ही डलती है। चटनी जो तुमने बनाई है ना, मुझे एक्चुअली वो बैंगलोर में जब मैं खाता था ना, बैंगलोर में सोमनाथ में जब भी हम गए थे, हम जब बना रहे थे तो बात की
रेड चटनी वही थी और बहुत बहुत बढ़िया। आप लोगों ने भी खाई होगी ना, कई बार क्या होता है सांभर नहीं मिलता है तो सिर्फ इडली के ऊपर कोकोनट चटनी और लाल वाली चटनी डाल के दे दी जाती है, तो उस तरीके से भी उन लोगों ने ट्राई किया था। राइट, उन्होंने हर तरीके से ट्राई किया और हर तरीके से उनको बहुत अच्छा लगा। खैर, हमको भी बहुत अच्छा लगा। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस सावन महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।